हेलो फ्रेंड्स मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर यगजाम गोली आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जान गए होंगे कि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नीट 2020 एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में फ्रेंड्स को पता होगा आज इसका पेपर हो गया है नीट का और बहुत से कैंडिडेट दे के भी आए हैं पेपर फ्रेंड्स मेरे पास लगातार कमेंट्स आ रहे हैं सर हमारा पेपर हो गया आप कुछ बताइए कितना जा सकता है कट ऑफ क्योंकि दोस्तों लास्ट ईयर में हमारे पास बहुत से फैंस जुड़ गए थे तो उन लोगों के आज मेरे को कमेंट्स देखने को मिले फैंस को बता दें आज हम जानने वाले हैं आपके स्टेट वाइज मतलब कि जितने अधिक से अधिक स्टेट कवर होंगे हम उनका कट ऑफ देखेंगे कि आखिरकार इतने यदि आपने मार्क्स गेन किए हैं स्कोर गेन किया है तो आपका सिलेक्शन हंड्रेड डन है फैंस इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको टाइम से मिल सके और दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें ओके चलिए बढ़, बढ़ते हैं आगे और जानते हैं हर एक डिटेल्स को दोस्तों इससे पहले कि हम कट ऑफ को जाने मैंने आप लोगों के यहाँ पर पोल क्रिएट कर दिया है आप आएंगे यूर एग्जाम गोली के कम्युनिटी टैब पर तो आप लोगों को यहाँ पर पोल देखेगा ओके तो आपको यहाँ पर बोर्ड डालनी है यहाँ पर कमेंट हाउ मेनी नंबर यू रिसीव इन नीट टू थाउजेंड ट्वेंटी मतलब कि आपने नीट दो हजार बीस में कितने नंबर प्राप्त किए हैं कितना स्कोर गेन किया है आपको कमेंट करना है यदि आप आते हैं दो सौ से दो सौ पचास के बीच तो आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है यदि आप आते हैं दो सौ पचास से तीन सौ के बीच तो आपको सेकंड ऑप्शन चूज करना है यदि आप आते हैं थर्ड ऑप्शन तीन सौ से तीन सौ पचास के बीच तो आपको फोर्थ ऑप्शन चूज करना है एंड एद यदि आप आते हैं चार सौ से चार सौ पचास के बीच तो आपको यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन चूज करना है यहाँ पे थर्ड था और लास्ट आपका जो है क्या यदि आप आते हैं चार सौ पचास से छ सौ पचास के बीच तो दोस्तों आपको यहाँ पर लास्ट ऑप्शन फिफ्थ चूज करना है आप इसके बाद आते हैं तो आपका सिलेक्शन हंड्रेड परसेंट डन ऑलरेडी है लेकिन दोस्तों यदि आप यहाँ तक आते हैं तो आपको यहाँ पर कमेंट्स कर देना है ओके ताकि हमको एक एनालिसिस और अच्छा मिल सके चूंकि आप लोगों का कमेंट आ रहा था सर आप पोल क्रिएट करवाइए तो चलिए फैंस हम बढ़ते हैं आगे और आप लोग कैसे कहा आपको आना है कम्युनिटी टैब पर आप आ सकते हैं जैसे आप वीडियो मतलब कि सब्सक्राइबर जैसे ऑप्शन पे आएंगे तो आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर दिख जाएगा होम वीडियो और प्ले लिस्ट कम्युनिटी टैप ऐसे करके आपको यहाँ पर देखेगा ये मैं उस ल, उन लोगों के लिए बता रहा हूँ दोस्तों जो पहली बार विजिट कर रहे हैं होम वीडियोज प्ले लिस्ट कम्युनिटी आप यहाँ पर टैप करेंगे तो आपको यहाँ पर देख जाएगा पोल की रेट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ चले बढ़ते हैं आगे तो दोस्तों हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और जान लेते हैं आप लोगों का जो स्टेट वाइज है मतलब कि राज्य स्तरीय कट ऑफ क्या रहने वाला है नीट 2020 का जो कि आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैंने यहाँ पर राज्य लिया है कौन सा मध्य प्रदेश एम एमपी और यहाँ पर हम जाने वाले हैं यू आर ओ बी सी एस सी एस टी का कैटेगरीवाइज कट ऑफ क्या रहने वाला है लेकिन दोस्तों इससे पहले कुछ बातें जो कि कैंडिडेट ने हमको बताई और आपको हम बताना चाहते हैं दोस्तों हालांकि पेपर का लेवल यदि हम बात करें क्या कि पेपर का लेवल कैसा रहा तो दोस्तों हम पेपर का लेवल टफ नहीं बोल सकते जी दोस्तों पढ़ने वाले स्टूडेंट को टफ नहीं लगेगा चूंकि आपका जो पेपर है वो इजी टू मॉडरेट रहा है कहने का मतलब पूरा ऑलमोस्ट नाइन्टी परसेंट या सेवन एट्टी फाइव परसेंट आप लोगों का जो रहा है टी बेसिस मतलब कि एनसीआरटी से आया है यदि आपने तैयारी की है तो आपको पता होगा और पेपर का लेवल रहा है इजी टू मॉडरेट ना कि दोस्तों टफ हम इसको टफ नहीं बोल सकते यदि आपने तैयारी नहीं की थी तो आपको टफ जरूर लगा होगा ओके चलिए अब देखते हैं कि आखिरकार सर मध्य प्रदेश का कट ऑफ क्या जाएगा इस बार का 2020 का नीट 2020 का तो चलिए हम वो देख लेते हैं तो बात करते हैं कैटेगरी की कि यदि आप सामान से बिलोंग करते हैं और मध्य प्रदेश से हैं तो इस बार नीट का कट ऑफ किया जा सकता है कितना आपका स्कोर होना चाहिए तो दोस्तों आपको बता दें आफ्टर आप आपके पेपर के एनालिसिस आप लोग के कमेंट के अनुसार यदि आप ईआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मध्य प्रदेश से हैं तो आपका दोस्तों मिनिमम स्कोर होना चाहिए कितना यदि आप चार से आप ला रहे हैं कितने जी दोस्तों यदि आप मार्क्स गेन किए स्कोर आपका आ रहा है करीबन चार अस्सी के समथिंग जी दोस्तों यदि आपका इतना आ रहा है चार सौ अस्सी पचासी आप कर सकते हैं यहाँ पर एक दो नंबर का हेयर फिर आपको देखने को मिल जाएगा यदि आप इस रेंज में हैं तो आपका सिलेक्शन 100 हंड्रेड परसेंट है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा ओके चलिए तो हुआ किसका यूआर का अब हम बात करते हैं ओ बी सी की तो फ्रेंड्स यदि आप ओ बी सी से बिलोंग करते हैं और आपने स्कोर गेन किया है कितना है? नीट दो हजार बीस में आपने स्कोर गेन किया है दोस्तों चार सौ बासठ से लेकर कितना यदि आप गेन किए हैं दोस्तों आपके चार सौ पैंसठ के समथिंग तो आपका सिलेक्शन भी यहाँ पर हंड्रेड परसेंट डन है आपको टेंशन की आवश्यकता नहीं है आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा ये है किसका एमपी वालों का ओके इसी प्रकार से नेक्स्ट हम बात करते हैं सर यदि आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो कितना तो दोस्तों यदि आप एससी से बिलोंग करते हैं तो आपका मार्क्स होना चाहिए करीबन तीन सौ बासठ से लेकर कहाँ तक यदि आप गेन कर रहे हैं तीन सौ पैंसठ के बीच तो आपका स्योरिटी से बिल्कुल हंड्रेड परसेंट सेलेक्टेड होने वाला है आपको भी टेंशन की आवश्यकता नहीं चूंकि इतना स्कोर इनाफ है इस बार के देखते हुए इसी प्रकार से फैंस बात करते हैं एस की तो यदि आप एस से बिलोंग करते हैं तो आपके मार्क्स करीबन करीबन होने चाहिए दो सौ बयासी से, से लेकर कहाँ तक आपका मार्क्स होने चाहिए करीबन करीबन दो के समथिंग यदि आपका इतने स्कोर है तो आपका सिलेक्शन भी सियोरिटी के साथ होने वाला है ए हुआ किसका मध्य प्रदेश का अब चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट अंग्लिश स्टेट का तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो आ गए हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं यूपी की तो फ्रेंड्स यदि आपको बता दें आप यूपी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और नीट बीस में आपने मार्क्स गेन किया है यूआर कैटेगरी से कितना जी फ्रेंड्स यदि आप मार्क्स ला रहे हैं करीबन पांच सो छब्बीस से लेकर कहाँ तक यदि आप मार्क्स बना रहे हैं आपके पाँच तीस के बीच तो आपका सिलेक्शन हंड्रेड परसेंट है कोई रोकने वाला नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा इतने मार्क्स में आपको गवर्नमेंट कॉलेज हंड्रेड परसेंट है कि मिलने के चांसेस है आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा ए हुआ यूर्का ओ की बात करते हैं तो ओ में भी इसी प्रकार से यदि आप करीबन करीबन बना रहे हैं पाँच सौ इक्कीस से लेकर कहाँ तक यदि आप बना रहे हैं पाँच सौ छब्बीस के बीच तो दोस्तों आपका भी सिलेक्शन यहाँ पर हंड्रेड परसेंट डन है आपको टेंशन नहीं लेने की आवश्यकता नहीं आपको भी यहाँ पर कॉलेज मिल जाएगा अब बात करते हैं किसकी एस की तो दोस्तों यदि आप एस से बिलोंग करते हैं और आप हैं यूपी से तो आपके नीट दो में यदि मार्क्स बन रहे हैं कितने तीन सौ छियासठ से लेकर यदि आप मार्क्स ला रहे हैं तीन सो बहत्तर के बीच तो आपका सिलेक्शन भी यहाँ पर हंड्रेड परसेंट डन है ओके आपको भी यहाँ पर टेंशन की कोई आवश्यकता नहीं इतने मार्क्स में आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है कि हो जाएगा अब बात करते हैं किसकी लास्ट जो कि है एस टी एस टी में भी दोस्तों यदि आपने मार्क्स गेन किया है करीबन दो सौ से लेकर कहा तक यदि आप ला रहे हैं मार्क्स लास्ट आपका 210 के बीच तो आपका सिलेक्शन भी 100 परसेंट डन है कोई रोकने वाला नहीं आपको कॉलेज अवश्य मिल जाएगा ओके चलिए जीतुआ किसका यूपी का अब हम देखते हैं अंग्लिश स्टेट का इसी प्रकार से फ्रेंड्स देख सकते हैं हम आगे अंग्लिश स्लाइड में और बात करते हैं सर महाराष्ट्र का कितना जाने वाला है तो दोस्तों आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और नीट टू में आपने स्कोर गेन किया है कितना आप देख सकते हैं यदि आपने यूआर कैटेगरी से यहाँ पर चार से लेकर चार के बीच मार्क्स गेन किया है तो आपका सिलेक्शन 100 परसेंट श्योर है आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं इसी प्रकार से फैंस ने आता है क्या ओबीसी तो दोस्तों यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं और आप महाराष्ट्र से हैं तो नीट टू में आपका स्कोर करीबन करीबन होना चाहिए चार से लेकर चार के बीच इसी प्रकार से यदि आप एस से हैं तो आपका तीन से तीन यदि आप एस से हैं तो दो से दो के बीच आपका स्कोर एनाफ है इतने में हंड्रेड परसेंट सिलेक्शन आपका हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अंग्लिश स्टेट की ओर तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम आगे इंग्लिश स्लाइड में और बात कर लेते हैं सर बिहार तो दोस्तों यदि आप बिहार से बिलोंग करते हैं और आप नीट टू में मार्क्स गेन किए हैं कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं यदि आपने यू आर कैटेगरी से मार्क्स गेन किया है कितना पाँच से लेकर पाँच तो आपका हंड्रेड परसेंट सिलेक्शन होने वाला है यदि आपने ओबीसी से पाँच सौ सोलह से पाँच सौ इक्कीस के बीच किया है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा एंड इसी प्रकार से यदि आपने एस से तीन सौ इकसठ से तीन सौ पैंसठ के बीच किया है तो आपका हंड्रेड परसेंट डन है आपको कॉलेज मिल जाएगा इसी प्रकार से यदि आपने एस से किया है तो आपका तीन से तीन के बीच स्कोर इनाफ है ओके okay, इससे ज्यादा लाने की आवश्यकता नहीं यदि है तो बहुत अच्छी बात है और कम है तो दोस्तों फिर टेंशन है बट इतना आपका मिनिमम होना चाहिए ओके okay? चलिए हम देखते हैं अगले नेक्स्ट और लास्ट स्टेट को हाथोडिया फ्रेंड्स जैसे कि आप देख पा रहे हो हम आ गए हैं अंगली नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड में जिसमें हम बात करने वाले हैं राजस्थान ओके okay? अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ जारी है ज्यादा बात करते हैं राजस्थान की तो दोस्तों नीट 2020 में यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और आप यदि कैटेगरी यू आर से बिलोंग करते हैं तो आपका यहाँ पर स्कोर होना चाहिए कम से कम पांच से पांच यदि आपका इतना स्कोर है तो आपका सौ परसेंट सिलेक्शन हो जाएगा ओके आप टेंशन ना लें इसी प्रकार से आप बात करें ओबीसी की तो दोस्तों ओबीसी में भी यदि आप मार्क्स लाए हैं पांच से पाँच के बीच तो भी आपका सिलेक्शन हंड्रेड परसेंट डन है आपको टेंशन की आवश्यकता नहीं इसी प्रकार से यदि आप एस से हैं तो आपका चार से चार के बीच होना चाहिए इतने में आपको सेवर है कि सिलेक्शन हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा और बात करते हैं लास्ट जो कि है एसटी यदि आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपका स्कोर होना चाहिए मिनिमम तीन से तीन ओके दोस्तों तो चलिए फ्रेंड्स मैंने आपको यहां पर बता दिया है वन बाई वन करके फाइव स्टेट को कवर किया है अगले वीडियो में हम फिर से पांच राज्यों को कवर करेंगे और दोस्तों चूंकि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है एक से दो नंबर का वेरिएशन आपको आगे पीछे देखने को मिल जाएगा तो आप इस स्कोर को देखकर यदि आपके मन में उदासी आ गई हो आपको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो आप टेंशन ना लें ओके इतना वेरिएशन हो जाता है तब तक के फैंस वीडियो आई पसंद तो प्लीज इसको लाइक करते जाए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करें ओके टेक केयर